वन थाउजेंड के आसपास में पोस्ट आ सकते हैं ठीक है हालांकि इसमें बहुत सारे जो आपका पी जी टी पी आर टी टी जी टी है उसमें एक बहुत सारे कैंडिडेट पूछते कि भाई इसका एग्जाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा तो देखिए इसका एग्जाम होगा ऑफलाइन ठीक है रिक्रूटमेंट की बात करते करते हैं तो ये हर साल रिक्रूटमेंट इसकी आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत अच्छी बात है कि भाई हर साल ये रिक्रूटमेंट लेकर आते हैं तो जिन्होंने भी बेट की डिग्री ले रखा हो जे बी टी बी फिर जे बी टी हो गया बी टी सी हो गया तो ऐसे जो इक्विवेलेंट तो जो डिग्रियां हैं जिनके पास हैं ठीक है टीचर एलिजिबिलिटी की बहुत सारी डिग्रियाँ जो है जिनके पास वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ठीक है थीके? और यहाँ पे नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं इंटरव्यू होता है बिल्कुल होता है पी जी और यहाँ पर टी ठीक है टी जी में सब ठीक है तीनों में यहाँ पर इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं ठीक है थीके? अब आते हैं सी तो सीटेट किसके लिए ज़रूरी है तो सीटेट जो है कि पीआरटी और पीजीटी पी और पी वाले जो भरेंगे उनके लिए सी का पेपर ज़रूरी है पी वाले के लिए सी टेट के पेपर ज़रूरी नहीं है इसमें भी पी और पी में यहाँ पे क्या है कि पी वाले जो होंगे सी टेड पेपर वन इसमें इनका होगा एलिजिबिलिटी और इसमें जो पी वाले हैं सॉरी यहाँ पे टी टी लिखना था ठीक है पी आर टी हो, हो गए और एक हो गया टी जी टी यहाँ पर टी जी टी होगा टी जी टी वाले के लिए पेपर टू नेसेसरी है ठीक है तो आप सुधार लेंगे पीआरटी और टीजीटी पीआरटी वाले के लिए सीटेट पेपर वन और टीजीटी ती, के लिए यहाँ पे सीटेट पेपर टू ठीक है ध्यान रखिएगा और यहाँ पे बात हो रही थी प्राइमरी टीचर की हाँ पीआरटी पीआरटी की तो हो बात हो गई टीजीटी की बात होगी तो यहाँ पे ध्यान रखिए थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लीजिएगा एक ही जगह प्रिंट हो गया है पीजीटी पीजीटी दो बार हो गया तो यहाँ पर टीजी टी आप कर लेंगे तो पी और पी जी वाले मैं फिर से बता दूँ कि सीटेट पेपर वन इसमें होने चाहिए क्वालीफाई और पी वाले सिटेट पेपर टू क्वालिफाई होने चाहिए ठीक है जिसमें कि वन टू फाइव होते हैं इसमें वन टू फाइव और इसमें होते सिक्स टू एट है, है ना तो देखिए ये चीज़ तो हो गई कॉमन सी बात है अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एलिजिबिलिटी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी कौन कौन लोग इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने डिग्री नहीं भी ले रखा हो बी का ठीक है तब भी या जे -बी या बी टी सी का तब भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर बहुत बिग अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए बन सकता है तो ध्यान रखिएगा कौन कौन वैसे लोग हैं जिनकी जिनको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जो कि बी की डिग्री नहीं ले रखे हैं वो हैं बी वाले कैंडिडेट अगर बी वाले कैंडिडेट ठीक है अगर बी वाले कैंडिडेट अगर बी और साथ ही साथ पी अगर उस सब्जेक्ट में कर रखा है तो बेशक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं ठीक है बेशक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं ठीक है लेकिन ध्यान रखिएगा किस में ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि पी और पी uh, और टी के लिए तो ये चीज़ है एप्लीकेबल पी और पी और टी के लिए तो ये एप्लीकेबल है कि बस सीटेंटर जरूर लेकिन इसमें ध्यान रखिए जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे पी के लिए बता रहा हूँ ठीक है तो पीजीटी में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं भाई बी वाले अप्लाई कर सकते हैं एमएससी कंप्यूटर साइंस से वो अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास अगर डिग्री नहीं है बी के वाले ठीक है एम वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ठीक है अच्छा और इम्पॉर्टेंट है कि बी या फिर बी टेक स्ट्रीम से और साथ में अगर पी कंप्यूटर से करें वो भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो ये हो गया तो इतने सारे कैंडिडेट जो कि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि बी और बीटेक वाले जो कंप्यूटर साइंस है आईटी से हैं 50 परसेंट मार्क्स के साथ वो भी कर सकते हैं है ना तो ये हो गया खासकर पीजीटी पी के लिए और यहाँ पे बात करें पी आर टी और यहाँ पे टी जी टी ठीक है टी जी टी ठीक है पी आर टी और टी जी टी के लिए तो पी आर टी पी आर टी और टी जी टी वाले के लिए तो सभी यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन पास है फिफ्टी परसेंट मार्क्स साथ बी एड है सी टेट पेपर वन क्लियर आपका है तो अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन है फिफ्टी परसेंट बी एड सी टेट पेपर टू टी तो जी टी वाले अप्लाई कर सकते हैं ध्यान रखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पे अगर पी म्यूज़िक की बात करें तो पी म्यूज़िक में अगर तो बैचलर डिग्री है म्यूज़िक में तो अप्लाई कर सकते हैं मास्टर डिग्री है 50% परसेंट बी और सीटेट नॉट नेसेसरी ठीक है तब भी अप्लाई कर सकते हैं तो ये इतने सारे फैसिलिटीज़ हैं भाई कि इन इतने सारे उनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है यहाँ पे पी वाले के लिए कि भाई आपके पास अगर बी की डिग्री नहीं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं कंडीशन है कि बी सी और पी होना चाहिए सब्जेक्ट में एम कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए एम होना चाहिए बी ई बी ए एन एन स्ट्रीम से होना चाहिए पी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए ठीक है और बी और बी कंप्यूटर साइंस और आई टी विथ फिफ्टी मार्क्स के साथ होना चाहिए टी वाले के लिए यहाँ पर मैंने फिर से बता रखा है और यहाँ पर बी और जे या बी ठीक है अगर उनके पास है डिग्री या डी जैसे कोई डिग्री हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है ध्यान रखिएगा अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ कि देखिए मैंने अभी बताया था कि सी पेपर वन किसके लिए है तो पी के लिए वन टू फाइव के लिए सी पेपर टू सिक्स टू एट जो है यहाँ पे टी वाले के लिए हैं अच्छा सभी में आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उसमें एक जो चीज़ है कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे मांगा गया है मिस कि डिजायरेबल है मिस के आपके पास है तो भी अप्लाई करें नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है कहीं कम से कम बेसिक एक छोटे मोटे नॉलेज होने चाहिए कंप्यूटर के बस और कुछ खास नहीं अब आते हैं यहाँ पे सिलेबस की बात कर ले फटाफट तो सिलेबस में देख लीजिए पी जी का जो है डेढ़ सौ मार्क्स का पेपर होता है ध्यान रखिएगा जिसमें कि कॉमन में क्या क्या पूछा जाता है बेटागॉगी रीजनिंग इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर ठीक है जो कि सत्तर मार्क्स के होते हैं टोटल और यहाँ पर टोटल अस्सी मार्क्स के जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं जैसे इंग्लिस हिंदी यू मैथ ट्वेंटी ट्वेंटी मार्क्स के होते हैं तो डेढ़ आपके जो है मिनट मिलते हैं डेढ़ मिनट यानी कि दो घंटा जो होते हैं तीस मिनट दो घंटा तीस मिनट का समय आपको यहाँ पे मिलेगा मीन्स कि डेढ़ सौ मार्क्स के लिए डेढ़ सौ मिनट मिलेंगे ठीक है नो निगेटिव है सबसे बड़ी बात है अब आते हैं पिजिटिव पिजिटिव में क्या होगा भाई तो पिजिटिव में रीजनिंग चालीस मार्क्स के पूछे जाएंगे जी के करेंट अफेयर्स मिलाकर बीस बीस मार्क्स का जो चालीस मार्क्स का पूछे जाएंगे टीचिंग पैटागरी से फोर्टी मार्क्स का पूछे जाएंगे और इंग्लिश हिंदी पंद्रह पंद्रह मिनट्स की तीस मार्क्स की यहाँ पे इंग्लिश पूछे जाएंगे ठीक है और मैं एक बार फिर से पर्टिकुलर जो पी पी वाले हैं जो पीजीटी वाले हैं या टी वाले हैं उनको यहाँ, में, यहाँ पे प्रॉपर मैं यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी में लिख दिया हूँ कि जैसे कि पी वाले हैं जो कि फिफ्टी परसेंट ग्रेजुएसन हो चाहिए बी होना चाहिए सीटेड पेपर वन होना चाहिए कंपिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी और इंग्लिश मीडियम मीनस की आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पढ़ाने की कुशलता होनी चाहिए प्राइमरी म्यूज़िक टीचर वाले के लिए ध्यान रखिएगा कि बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक होना चाहिए कम्पिटिशन टू कम्पीटेंस टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम सेम चीज़ है इसमें भी ठीक है तो बस पीआर म्यूजिक वाले के लिए बस यहाँ पे एक चीज है बैचलर डिग्री इन म्यूजिक अप्लाई कर दें ठीक है अब आते हैं टी वाले की बात करते हैं तो टी सी में क्या भाई ग्रेजुएसन फिफ्टी परसेंट बी एड होना चाहिए और सी टी पेपर टू क्लियर होने चाहिए ठीक है और यहाँ पे आते हैं पी की बात करें तो मास्टर डिग्री फिफ्टी परसेंट बी होने चाहिए ठीक है कम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी और इंग्लिश मीडियम तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पीजीटी वाले पीजीटी वाले के लिए मैं फिर से बता दूँ कि बहुत सारे उनके अपॉर्चुनिटी थे जैसे बी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे एम वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे एम वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे तो ये उनके पास ही अपॉर्चुनिटी है ठीक है इनके पास अपर्चुनिटी है, है बी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे बी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे तो इनके पास बहुत सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटियाँ थे ठीक है थोड़े से कंडीशन थे यहाँ पे कोई आपको डे बी एड की डिग्री यहाँ पे मांगा नहीं गया था है ना यहाँ पे नेसेसरी नहीं था साफ तौर पे यहाँ पे बताया गया था कि पीजीटी वाले में यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं था ठीक है तो ध्यान रखें यहाँ पे बीएड की अगर कर बात करें तो लिख देते हैं हो नॉट नेसेसरी ठीक है नॉट नेसेसरी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं कि बस आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए बस ठीक है और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए नहीं एक छोटा सा यहाँ पे नोटिफिकेशन अभी जो आने वाला है उसका एक यहाँ ओवरव्यू मैं दिखाया हूँ ताकि आप इसके रिगार्डिंग आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं और जो भी कैंडिडेट हैं इस एलिजिबिलिटी जो फिलफुल फुलफिल कर पा रहे हैं वो आराम से कर सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कि एलिजिबिलिटी पर ध्यान नहीं दे पाते और उनका अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो बी सी कर रखे हैं जैसे कि एम कर रखे हैं वो कर सकते हैं एम कर रखे हैं वो कर सकते हैं ठीक है तो किसके लिए भाई मैं फिर से बता दूँ पी वाले ठीक है तो यहाँ पर टी और पी के लिए बोला था कि सी पास जरूरी नहीं है ठीक है और यहाँ पे सीटेड पास ज़रूरी नहीं और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं है न तो ध्यान रखें ऐसे कैंडिडेट जो कि कंप्यूटर टीचर के वी से मैं कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं ठीक है तो कंप्यूटर टीचर के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है किन के लिए तो ये बी सी ए वाले यहाँ पे एम एस सी वाले एम सी ए वाले बी टेक वाले जो होंगे और यहाँ पे ये जितने भी कोर्सेज़ कर जो यहाँ पे किए हैं ठीक है थीके? तो ये एलिजिबल है अच्छा यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि शायद मैं नहीं बता पाया जैसे कि इसमें एलिजिबिलिटी की बात करते हैं ठीक है थीके? तो पी हो गए टी हो गए और पी हो गए तो पी के लिए एज क्या होता है ना इंपॉर्टेंट चीज़ है तो यहाँ पर पी वाले के लिए जो है मैक्सिमम थर्टी ईयर्स है ठीक है मैक्सिमम थर्टी ईयर्स है पी वाले ध्यान रखिएगा कि पी में जो है मैक्सिमम जो ईयरस है यहाँ पे फोर्टी ईयर्स है और टी की बात करें तो मैक्सिमम जो एज है यहाँ पे थर्टी फाइव ईयर्स है ठीक है तो ध्यान रखिएगा तो पी जी टी पी आर टी पी जी टी टी जी टी पी आर टी थर्टी ईयर्स पी जी टी फोर्टी ईयर्स और टी जी टी थर्टी फाइव ईयर्स तो ऐसे कैंडिडी जिनका एज है वो अप्लाई कर सकते थे साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है एज रिलैक्सेशन में आपका जो है छूट जो मिलेगा उसका आपको बेनिफिट भी मिल सकता है जिनका अगर एज इससे क्रॉस कर चुका है तो वो इसकी एज रिलैक्सेशन के थ्रू वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं मीनस कि उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं है ना तो गैस बस एक छोटा सा नोटिफिकेशन था और इम्पोर्टेंट जाते जाते मैं फिर से बता दूँ कि पी जी टी की बात अगर करें यहाँ पर टी जी टी यहाँ पर लिखना था यहाँ पे पी जी टी हो गया ठीक है तो यहाँ पे ध्यान रखिए टी जी टी और यहाँ पे बात करें पी आर टी ये दोनों के लिए आपका सीटेड जो है ज़रूरी है ठीक है पी जी टी के लिए सीटेड जो है यहाँ पे जरूरी नहीं है ध्यान रखिएगा ये एक चीज़ ठीक है तो कुछ पी जी टी वाले कोर्स है मीन्स कि कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी है जिसमें कि बी एड की डिग्री नहीं भी मांगा गया है वो बिना बे, बी एड का भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ठीक है और बाकी में आपका बी एड की या बी एड का जो है डिग्रियां हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं ध्यान रखिएगा ठीक है साथ ही साथ सी की वो पेपर वन और पेपर टू होने चाहिए तो जैसे भी इसमें जो भी आपको मैं समझा सकूँ अगर समझ में आया तो ठीक है नहीं तो आप कमेंट सेक्शन